जिला कलेक्टर एवं सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव द्वारा अपनी टीम के साथ बागली में गुरुवार को देर रात्रि में मुखबिर की सूचना पर पुंजापुरा से बागली रोड के बरजवाई घाट एक वेगनार कार को रोककर विधिवत तलाशी लेने पर गाड़ी में से 5 पेटी देशी शराब प्लेन एवं 5 पेटी बियर केन कुल शराब की मात्रा 150 लीटर जब्त कर आरोपी अनिल सोलंकी पुंजापुरा एवं कन्हैया बाछनी निवासी पलासी को अवैध रूप से शराब का परिवहन करते गिरफ्तार किया है। उक्त मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जब्त सामग्री एवं वाहन का मूल्य 4,31,850 रुपए है। श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वेगनार गाड़ी MP09ZC9258 ये पुंजापुरा बागली रोड से अवैध मदिरा का परिवहन कर सकती है। तो हमने तुरंत नाका लगाकर वहाँ पे भेरू घाट के पास में रात्रि का समय था, उस समय ये गाड़ी आई है उसको रोक के तलाशी ली गई। तो उसमें 10 पेटी बरामद हुई जिसमें 5 पेटी देशी मदिरा प्लेन और 5 पेटी बियर केन कुछ 105 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुई, जिसमें 2 व्यक्ति था। चालक जो व्यक्ति है उसने उसका नाम अनिल सोलंकी निवासी पुंजापुरा और जो उसके साथ दूसरा व्यक्ति था उसका नाम कन्हैया बाछनिया निवासी पलासी है। दोनों के विरुद्ध हमने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जो जब्त सामग्री मदिरा एवं वाहन की कीमत लगभग 4,31,850 रुपये है। बागली तहसील से रवि पाटीदार की रिपोर्ट।